दोस्तों आज की ये कहानी आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन भर देगी। दुनिया भर के लोगों ने इस मूवी को काफी सराहा है और साथ ही कई देशों में इसको अवार्ड्स भी मिले हैं। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि ये एक बेहतरीन मूवी है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मूवी जिस आदमी के ऊपर फिल्माई गई है वो आदमी सच में एग्जिस्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक ऐसी ही शानदार मूवी जिसको देखकर आपके अंदर किसी भी काम को करने की एनर्जी आ जाएगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है द फर्स्ट ग्रेडर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मूवी की शुरुआत होती है अफ्रीकन देश केन्या की राजधानी नैरोबी में रहने वाले मारुगे नाम के एक बूढ़े आदमी से, जो अपने खेतों में काम कर रहा होता है। जब मारुगे काम करके वापस अपने घर में जाता है तो उसे रेडियो पर एक खबर पता चलती है, और वो खबर ये थी कि सरकार ने सभी के लिए मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया है। अब जो चाहे वो सरकारी स्कूलों में फ्री पढ़ सकता है। अब दाखिले के लिए भी सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वो है पढ़ने वाले का बर्थ सर्टिफिकेट। अगले दिन स्कूल के बाहर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के दाखिले के लिए आए होते हैं। फ्री एडमिशन की वजह से पेरेंट्स की काफी भीड़ वहां जमा हो जाती है। जेन नाम की एक टीचर सबके फॉर्म्स रिसीव कर रही होती है। उसके साथ एक टीचर होता है जिसका नाम अल्फ्रेड होता है। अल्फ्रेड जेन से कहता है कि तुमसे एक बूढ़ा आदमी मिलने आया है। हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि मारुगे ही है। जेन स्वभाव से अच्छी होती है, इसलिए एक बूढ़े आदमी से इंतजार करवाना उसे अच्छा नहीं लगता, और वो फौरन उसके पास आकर पूछती है कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। मारुगे जेन और अल्फ्रेड को अखबार का वही टुकड़ा देता है जिस पर सरकार की फ्री एजुकेशन की न्यूज होती है। जेन पूछती है कि बाबा इसका मैं क्या करूं? ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मारुगे कहता है कि मुझे भी पढ़ना है, इसलिए प्लीज मेरा एडमिशन भी कर लीजिए, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। जेन मुस्कुराते हुए कहती है कि फ्री एजुकेशन तो सिर्फ बच्चों के लिए है, सरकार ने बड़ों के लिए शिक्षा फ्री नहीं की है। मारुगे कहता है कि नहीं, अखबार में लिखा है कि सभी के लिए शिक्षा फ्री है, तभी मैं यहाँ आया हूँ। वो कहता है कि मैंने रेडियो पर भी सुना था। जेन शांत हो जाती है, लेकिन तभी अल्फ्रेड कहता है कि जेन यहाँ और भी बच्चे हैं जो दाखिले के लिए आए हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस बूढ़े आदमी पर जो ठीक से चल भी नहीं सकता। ये सुनकर मारुगे को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ ना कहते हुए जेन की तरफ देखता है। जेन कहती है, सर हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, इसलिए आई एम सॉरी। अब अगले दिन स्कूल में जेन की क्लास बच्चों से पूरी तरह से भरी होती है। तभी अल्फ्रेड जेन को क्लास से बाहर बुलाता है और कहता है कि मारुगे स्कूल के गेट के बाहर खड़ा हुआ है और वो तुमसे मिलना चाहता है। मारुगे फिर से जेन से रिक्वेस्ट करने वहां आता है, लेकिन इसी बीच अल्फ्रेड कहता है कि हम तुम्हारा दाखिला नहीं कर सकते, इसलिए घर जाओ और चादर तानकर सो जाओ, यही तुम्हारी उम्र के लोगों के लिए अच्छा है। मारुगे कहता है कि अभी मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, इसलिए पढ़ सकता हूँ, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। फिर अल्फ्रेड उससे कहता है कि स्कूल में दाखिले के लिए उसके पास स्कूल की यूनिफॉर्म भी होनी चाहिए, पर मारुगे के पास पैसे नहीं होते तो वो यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकता था। अल्फ्रेड जेन को मारुगे से बात करने के लिए कहता है। जेन मारुगे से पूछती है कि वो स्कूल में दाखिला क्यों लेना चाहता है। मारुगे कहता है कि वो कुछ लिखा हुआ पढ़ना चाहता है, इसलिए उसे स्कूल में दाखिला चाहिए। जेन उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। अब निराश होकर मारुगे अपने घर वापस आ जाता है और अपने पालतू मुर्गों के साथ समय बिताने लगता है। अब चूंकि अल्फ्रेड ने कहा था कि स्कूल में दाखिले के लिए उसके पास यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इसलिए वो अपने पालतू मुर्गे को बेचकर कुछ पैसे अरेंज कर लेता है और उन पैसों से स्कूल यूनिफॉर्म खरीदकर पहन लेता है। अब अगले दिन वो फिर से स्कूल में दाखिला लेने के लिए चला जाता है और गेट पर जाकर खड़ा हो जाता है। अल्फ्रेड उसे ड्रेस में देखकर हैरान हो जाता है और काफी चिढ़ जाता है कि आखिर ये बुढ़ा आदमी कब मानेगा। फिर वो जेन को बुलाता है और कहता है कि मारुगे आज फिर बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा है। जेन उसे ड्रेस में देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम अपने संकल्प के पक्के आदमी हो, तुम जल्दी से हार मानने वालों में से नहीं हो। अल्फ्रेड जेन से कहता है कि उसे इग्नोर करो, उसकी बात मत सुनो, अगर तुम उसे स्कूल में दाखिला दे दोगी तो एजुकेशन बोर्ड तुम पर कार्यवाही कर सकता है। जेन मारुगे से कहती है कि अल्फ्रेड सच कह रहा है, वो एजुकेशन बोर्ड को कैसे समझाएगी और बच्चों के माँ बाप भी उसके दाखिले पर एतराज करेंगे। मारुगे कहता है कि वो उसका एक होनहार स्टूडेंट बनकर रहेगा जो पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई करेगा, और आखिर एक बूढ़े आदमी से पेरेंट्स को क्या दिक्कत हो सकती है।
उसका ये दृढ़ संकल्प देखकर और पढ़ने के लिए उसकी इतनी लगन को देखकर जेन का दिल पिघल जाता है और वो उसके दाखिले के लिए मान जाती है। जेन मारुगे को क्लास में ले जाती है और क्लास के सभी बच्चों को बताती है कि उनके साथ मारुगे भी इस क्लास में पढ़ेगा। बच्चे बूढ़े आदमी को देखकर हंसने लगते हैं। फिर जेन मारुगे को पीछे जाकर बैठने के लिए कहती है, लेकिन मारुगे कहता है कि उसे ठीक से दिखाई नहीं देगा, इसलिए वो आगे बैठ जाता है। इसके बाद जेन क्लास को अल्फाबेट्स लिखना सिखाने लगती है। अब शाम को छुट्टी के बाद जब मारुगे अपने घर जाता है तो उसे अपने घर के बाहर कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो उसे ताने मार रहे होते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल बूढ़ों के लिए नहीं होता, उसका वहाँ पर कोई काम नहीं है। इस उम्र में पढ़कर भी तुम क्या कर लोगे, क्या तुम्हें प्रेसिडेंट बनना है? उनकी आवाजें सुनकर मारुगे को अपनी दुख भरी यादें याद आ जाती हैं। जब वो एक छोटा बच्चा था तब उनका देश ब्रिटिश लोगों के कब्जे में था और वो सभी उन्हें मजदूरी करने को कहते थे। खैर, अगले दिन मारुगे अपनी यादों से उबरकर स्कूल जाता है। क्लास में उसके पास एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम कमाऊ होता है। जेन कमाऊ को ब्लैक बोर्ड पर 5 लिखने के लिए कहती है। कमाऊ 2 बार गलत लिखने के बाद फिर सही लिखता है। फिर जेन मारुगे को 6 नंबर लिखने के लिए बुलाती है, लेकिन मारुगे के कान कमजोर हो चुके होते हैं इसलिए वो उसकी बात को ठीक से सुन भी नहीं पाता। फिर जब स्कूल में ब्रेक होती है तब सभी बच्चे खेलने लगते हैं और मारुगे साइड में बैठा होता है। तभी एक छोटी बच्ची जो दिव्यांग होती है वो मारुगे के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो बीमार है। मारुगे उस प्यारी बच्ची को देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि वो बीमार नहीं है, बस उसके कान थोड़े कमजोर हो चुके हैं, वो ठीक से सुन नहीं पाते। वो मासूम बच्ची मारुगे से कहती है, कोई बात नहीं, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बन जाऊंगी और आपके कानों का इलाज कर दूंगी। मारुगे ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है। फिर सभी बच्चे क्लास में चले जाते हैं और अल्फ्रेड बच्चों की कॉपी चेक करने लगता है। वो मारुगे के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें अपनी पेंसिल को शार्प कर लेना चाहिए। जब मारुगे अपनी पेंसिल शार्प करने के लिए जाता है तो उसे फिर से अपनी दर्द भरी यादें याद आ जाती हैं, जब कुछ ब्रिटिश लोगों ने एक पेंसिल को साफ करके उसके कान में मारा था और इसी वजह से मारुगे को ठीक से सुनाई भी नहीं देता। जब वो अपनी यादों से वापस आता है तब उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जेन उसे क्लास के बाहर ले आती है जहाँ बैठकर मारुगे अपने ब्रेसलेट को देख रहा होता है। तभी वो छोटी बच्ची मारुगे के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने हाथ में ये क्या पहना हुआ है। मारुगे कहता है कि ये तब की निशानी है जब वो जेल में कैद था, उसने कुछ गलत नहीं किया था, वो तो बस गोरे लोगों से अपनी जमीन और अपने देश को आजाद करवाना चाहता था और आजादी की लड़ाई लड़ने के बदले उसे जेल भी जाना पड़ा था। उसकी बातें सुनकर सभी बच्चों को उस पर प्राउड फील होता है और वो सब आजादी का नारा लगाने लगते हैं। बच्चों की आवाज सुनकर टीचर्स का ध्यान भी उनकी ओर चला जाता है। अल्फ्रेड को ये देखकर लगता है कि मारुगे बहुत जल्दी स्कूल में कोई परेशानी पैदा करने वाला है। फिर हम एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो स्कूल में बूढ़े मारुगे को पढ़ते हुए देखता है और अपने आर्टिकल के लिए उसकी एक तस्वीर खींच लेता है। देखते ही देखते रेडियो पर भी खबरें फैलने लगती हैं कि एक बूढ़ा आदमी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। अगले दिन स्कूल में 2 बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं और मारुगे उनकी लड़ाई को छुड़वाने के लिए जाता है। तभी एक सरकारी अधिकारी जांच करने के लिए वहां आता है कि क्या सच में स्कूल में एक बूढ़ा आदमी पढ़ रहा है, क्योंकि उसे मीडिया से लगातार फोन आ रहे होते हैं जो बूढ़े मारुगे के बारे में पूछ रहे होते हैं। इन्हीं सवालों से परेशान होकर ही वो स्कूल में चेकिंग करने के लिए आया होता है और जब वो मारुगे को अपनी आंखों से देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो चिल्लाने लगता है कि इसको स्कूल में दाखिला किसने दिया। जेन कहती है कि इसे दाखिला मैंने दिया है। वो अधिकारी गुस्से से कहता है कि ये कल मुझे स्कूल में नजर नहीं आना चाहिए, इसे आज ही स्कूल से बाहर कर दिया जाए। अब अधिकारी के सामने जेन कुछ नहीं कहती और शाम को अपने पति को फोन करती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन उसका पति भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। फिर जेन एजुकेशन सेक्रेटरी के पास जाती है और मारुगे के लिए मदद मांगती है। सेक्रेटरी उसकी पूरी बात सुनती है और उससे कहती है कि वो मारुगे को स्कूल में दाखिला नहीं दे सकते क्योंकि मारुगे से प्रेरित होकर बहुत सारे बूढ़े लोग स्कूल में पढ़ने के लिए आ जाएंगे और उनके पास बच्चों के लिए भी पर्याप्त रिसोर्सेस नहीं है, तो वो उन बूढ़ों को कैसे हैंडल करेंगे। वो कहती है कि उसे पढ़ने के लिए बड़े बच्चों के स्कूल में भेज दिया जाए और उसे बड़े बच्चों के स्कूल में दाखिला लेने के लिए कहती है। जेन ऐसा ही करती है और उसका दाखिला हाई स्कूल कॉलेज में करवा देती है। मारुगे अपने नए स्कूल को देखने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन वो स्कूल प्राइमरी स्कूल से बिल्कुल अलग होता है। कोई भी स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए नहीं आता था और किसी का भी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। यहाँ तक कि क्लास में इतना शोर होता है
कि मारुगे को ठीक से टीचर की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। जिस एजुकेशन के लिए वो इधर उधर भटक रहा है, उन बच्चों को उस शिक्षा की कोई कदर नहीं होती। ये देखकर मारुगे थोड़ा निराश हो जाता है। मारुगे वहाँ से जेन के घर चला जाता है और बारिश में ही उसके घर वापस आने का इंतजार करने लगता है। जेन उसे बारिश में खड़ा देखकर घर के अंदर ले जाती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मारुगे कहता है कि पुराने जमाने में उसका समुदाय जमीन पर ही निर्भर करता था, जबकि दूसरे समुदाय जानवरों पर भी निर्भर करते थे। लेकिन आज के जमाने में एक आदमी कुछ भी नहीं है अगर वो पढ़ना लिखना नहीं जानता। शिक्षा बहुत जरूरी है। वो कहता है कि उसके पास एक चिट्ठी है जिसे वो पढ़ना चाहता है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता। जेन उसकी बात सुनकर एक बार फिर से उसकी मदद करना चाहती है, इसलिए वो सरकारी अधिकारी को फोन करती है और मारुगे के लिए मदद मांगती है। लेकिन अफसोस, बात नहीं बनती। अगले दिन जेन स्कूल जाती है। क्लास के अंदर जाकर वो देखती है कि मारुगे बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। मारुगे बच्चों से कहता है कि सभी बैठ जाओ, मैं बस तुम सबको अलविदा कहने आया था। वो बच्चों से कहता है कि एक बकरी ना तो पढ़ सकती है और ना लिख सकती है, और जो आदमी पढ़ नहीं सकता लिख नहीं सकता वो बकरी के समान है, इसलिए आप सबको पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तभी जेन मुस्कुराते हुए कहती है कि बकरी स्मार्ट और जिद्दी भी होती है और सबको बकरी से ये सीखना चाहिए कि अपने संकल्प पर दृढ़ कैसे रहा जाए। वो सारी क्लास से कहती है कि मारुगे आज से उसका असिस्टेंट है जो पढ़ने में सब करेगा। मारुगे की कहानी काफी पॉपुलर होने लगती है और मीडिया चैनल वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए स्कूल में आते हैं। धीरे धीरे सारे देश को इसके बारे में पता चल जाता है, पर इस पॉपुलैरिटी का मारुगे को ज्यादा फायदा नहीं होता। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स का गुस्सा बढ़ने लगता है कि एक बूढ़े आदमी का स्कूल में पढ़ना ठीक नहीं है। सभी पेरेंट्स इसकी शिकायत करते हैं, जिसके बाद वो सरकारी अधिकारी दोबारा स्कूल में आता है और जेन से कहता है कि मारुगे को बड़े बच्चों के स्कूल में ही पढ़ना होगा। जेन कहती है कि मारुगे के पास पैसे नहीं है तो वो पढ़ेगा कैसे, बड़े स्कूल में उसे फीस देनी होगी। अधिकारी कहता है कि उसके पास जल्दी ही पैसे आ जाएंगे क्योंकि उसके समुदाय के लोगों को जल्दी ही सरकारी सहायता मिलने जा रही है। वो कहता है कि जेन स्कूल में सिर्फ नौकरी करती है और उसे बस उतना ही करना चाहिए जितना उसे बताया गया है। उधर मारुगे को पुरानी यादें याद आती हैं, जब उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। उसने एक बच्ची को जन्म दिया और ब्रिटिश लोगों ने उसे गोली मार दी थी। फिर हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद जेन मारुगे को पढ़ाना शुरू कर देती है। इसके बाद जेन को फोन पर एक आदमी कहता है कि वो उसकी निगरानी कर रहा है और उसे पता है कि वो घर पर अकेली रहती है। जेन डर जाती है और वो अपने पति को सब कुछ बता देती है। उसका पति उसके पास आ जाता है और उसे रात में फिर से एक फोन कॉल आता है। फोन पर वो आदमी जेन के बारे में खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है। अगले दिन उसी छोटे बच्चे कमाऊ का बाप मारुगे के पास आता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हें मीडिया वाले पैसे दे रहे हैं, उसमें से मुझे भी पैसे चाहिए। मारुगे कहता है कि मुझे कोई भी पैसे नहीं दे रहा और मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और इतना कहकर वो अपने घर के अंदर चला जाता है। अब अगले दिन कमाऊ का बाप कुछ गुंडों को पैसे देकर स्कूल में गड़बड़ करवाने के लिए कहता है और ऐसा करते हुए कमाऊ अपने पिता को देख लेता है। फिर वो गुंडे स्कूल में जाकर हल्ला करने लगते हैं, लेकिन मारुगे अपनी छड़ी लेकर उन सबको सबक सिखा देता है और वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो कमाऊ के पास जाकर बैठ जाता है तो कमाऊ पूछता है कि क्या आप ठीक हो। मारुगे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद फिर मारुगे कमाऊ को एक पोएम सुनाता है जिसमें 5 नंबर को लिखने का आसान तरीका बताया होता है। वो कहता है लॉन्ग नेक फेमी फैट नंबर 5 वेयर इज योर हैट। कमाल की बात ये होती है कि वो कविता की हेल्प से 5 लिखना सीख जाता है। अब सरकारी अधिकारी ने जेन को बार बार वार्निंग्स दी थी, लेकिन उसने मारुगे को स्कूल से नहीं निकाला था और बच्चों के पेरेंट्स भी मारुगे के वहाँ पढ़ने से नाराज थे, जिसकी वजह से वो सरकारी लोग जेन का ट्रांसफर शहर के किसी दूसरे स्कूल में कर देते हैं। और जब ये ट्रांसफर लेटर जेन को मिलती है तो इसके बारे में वो अपने पति से बात करती है। उसका पति उल्टा उसी पर नाराज होता है क्योंकि वो बूढ़े मारुगे की कुछ ज्यादा ही मदद कर रही होती है, जिसका हर्जाना उसे देना पड़ रहा होता है। इसके बाद जेन मारुगे को अपने ट्रांसफर के बारे में बताती है कि जेन के बदले एक नई टीचर स्कूल में पढ़ाने के लिए आने वाली है, और ये खबर सुनकर सभी पेरेंट्स नाचने लगते हैं। लेकिन बच्चे नए टीचर के आने से खुश नहीं होते। वो मारुगे और जेन दोनों के साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं, इसलिए जब नई टीचर की गाड़ी स्कूल के बाहर आती है तो बच्चे स्कूल का दरवाजा बंद कर देते हैं और उन लोगों पर अपना सामान फेंकना शुरू कर देते हैं।
नई टीचर वो सब देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब मारुगे के सब्र का इम्तहान टूट जाता है और वो सीधे नैरोबी में एजुकेशन बोर्ड के बड़े अधिकारियों के पास चला जाता है। वो कहता है कि मैंने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की है और सबको अपने शरीर पर जख्मों के निशान भी दिखाता है। वो कहता है कि कल हमें वही मिलेगा जो आज हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। मैं पढ़ने की जिद छोड़ रहा हूँ, लेकिन उस स्कूल के बच्चों को एक अच्छे टीचर की सख्त जरूरत है। और वो जेन को स्कूल में वापस लाने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जेन को देखते हैं, क्योंकि मारुगे की बातों को सुनकर एजुकेशन बोर्ड ने ट्रांसफर को रद्द कर दिया होता है और जेन वापस अपने स्कूल में आ जाती है। सभी बच्चे दौड़कर जेन से मिलने के लिए जाते हैं। फिर मारुगे जेन के पास आता है और उसे अपनी एक चिट्ठी देता है और कहता है कि यही वो खत है जिसे पढ़ने के लिए मैं पढ़ना सीख रहा था। इसे पढ़ना बहुत मुश्किल है, मैं इसे पढ़ नहीं सकता, इसलिए तुम इसको पढ़ दो। जेन चिट्ठी देखती है और किसी वजह से वो अल्फ्रेड को उसे पढ़ने के लिए कहती है। अल्फ्रेड वो चिट्ठी पढ़ना शुरू करता है और हमें पता चलता है कि वो चिट्ठी असल में केनिया के राष्ट्रपति की ओर से होती है और उसमें लिखा होता है कि मारुगे ने आज़ादी के लिए बहुत दुख झेले हैं। उसने अपने परिवार को भी खो दिया और वो काफी सालों तक जेल में कैद भी रहा, जिसके लिए सरकार उसकी आभारी है और वो उसे कंपनसेशन मनी देना चाहती है। जेन और अल्फ्रेड को मारुगे के ऊपर गर्व होता है। जेन कहती है कि आप हमारे लिए लड़े थे, इसलिए हम आज आज़ाद हैं। मारुगे कहता है कि अभी ये अंत नहीं है, अभी तो उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और वो तब तक पढ़ेगा जब तक कि वो मर नहीं जाता। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि असल में किमानी मारुगे को बहुत सारे देश में स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था ताकि वो लोगों को पढ़ाई के महत्व के बारे में बता सकें। दोस्तों, मारुगे की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।